सो हाय गाइस, इट्स मी कैनियन सनोवा का सनिल भटनागर। तो आज मेरा कोविड टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है और वो नेगेटिव आया है। ऑफिशियली 14 डेज मेरे क्वारंटीन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं जॉर्जियन रेसिडेंट से ट्रेवल करने वाला हूँ अपने रूम पे, जो मैंने रेंट पे लिया है। तो आइए जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो हमारी पैकिंग पूरी की पूरी हो चुकी है, अब हमारा टाइम आ गया है जाने का। तो चलते हैं, हमारे रूम को अलविदा कर देते हैं और चलें अपनी नई जर्नी की ओर। यहाँ पे आप कनाडा आते हो तो इंडिपेंडेंट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे लगेजेस खुद ही कैरी करने पड़ेंगे, कोई आने नहीं वाला, मुझे ही देख लीजिए आप सब। और ये रही लिफ्ट, वेदर काफ़ी अच्छा है और वो देखिए बास्केटबॉल खेल रहे हैं। फाइनली मैं आज़ाद पंछी की तरह फ्री होने वाला हूँ और मैं निकल चुका हूँ बाहर। काफ़ी मस्त व्यू है जॉर्जियन रेसिडेंस के बाहर का, आप देख ही सकते हैं। और मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं अपने हाउसमेट्स का वेट कर रहा हूँ जो मुझे लेने आने वाले हैं, और ये आ गए और मैं निकल चुका हूँ उनके साथ। लेकिन हम अभी सबसे पहले जा रहे हैं वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट से सीधे हम गए फ्रेश को, काफ़ी अच्छा है ग्रोसरीज़ के लिए, तो बेस्ट है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। और यहाँ पे कंपेरेटिवली प्राइसेस प्रोडक्ट्स के चीपर हैं। और हम यहाँ से जा रहे हैं वापस हमारे घर की तरफ, और आप मेरा फाइनली घर देख सकते हैं। यहीं मैं अब से स्टे करने वाला हूँ। नेबरहुड एक बार आप चेक कर लीजिए, काफ़ी ब्यूटिफुल नेबरहुड है। ये थी मेरी जर्नी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और ये रहा लॉन, घर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिलहाल रह रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छी जगह है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा, इंडिया में स्पेशली जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, आई नो अभी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही है, वापस से ट्रैवल बैन लग गया है, बट डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, स्टे पॉजिटिव एंड बी सेफ। अभी तो अपना ध्यान रखें, वो इम्पॉर्टेंट है, और टेंशन ना लेना, ठीक है। मैंने खुद एटलीस्ट 8 मंथ्स वेट किया अपना वीज़ा के लिए, और फाइनली आज मैं देखो कनाडा आ गया हूँ। सो आई शुड बी वन मोटिवेशन फॉर यू गाइज, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट एंड जस्ट कीप फॉलोइंग मी, करो सब्सक्राइब एंड सी यू गाइज।